गाइस, तुम्हारा चैप्टर नंबर 23 चल रहा था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था क्वेश्चन नंबर 4-5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज। इससे पहले आप सभी को चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, आप सभी को चिल्ड्रंस हैप्पी चिल्ड्रंस डे। तो अब इसमें हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो जैसे कि हमने पहले हमारे जो लेक्चर्स थे उसमें भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताई थी इन सैंपल्स पेपर के बारे में, तो ये हमारे ओसवाल बुक्स के सैंपल पेपर हैं, काफ़ी अच्छे सैंपल पेपर हैं। तो हमने इनको एनालाइज करके देखा तो ये काफ़ी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे सैंपल पेपर हैं। इसमें सभी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ आपको कुछ सैंपल पेपर्स, स्पीसमैन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सोल्यूशन विद सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जिसकी हेल्प से आप अपनी प्रैक्टिस को बेटर कर सकते हो और अपने एग्जाम में बेस्ट दे सकते हो। तो इनको आप परचेज कर सकते हो। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप अमेजोन या फिर इनके डायरेक्ट साइट का, दोनों ही लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे परचेज कर सकते हो। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। ये सभी सब्जेक्ट्स के मिलते हैं आपके, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड ऑल जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, आप उनको परचेज कर सकते हो। तो इनके बारे में भी हम अपने आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे, इनके सोल्यूशंस के बारे में, डाउट्स वगैरह के बारे में। ओके, इनको भी हम पूरे तरीके से सोल्व करेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर हमारा, क्लास मार्क फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन अबव कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल, यूज द टेबल ऑब्टेन इन अ पार्ट टू ड्रॉ अ हिस्टोग्राम एंड ओ गिव। ओके, तो इसमें हिस्टोग्राम भी और ओ गिव दोनों ड्रॉ करने, लेकिन देखो ये किस तरह का केस है जिसमें सिर्फ हमें क्लास मार्क गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन नहीं है। तो हम इसमें क्लास जो आपका क्या होता है मार्क होता है वो कैसे ऑब्टेन करते हैं, इनका डिफरेंस देखते हैं कि कितना डिफरेंस आ रहा है। जैसे इसका डिफरेंस आ रहा है हमारा, अगर इसमें से माइनस करते हैं 5, तो हम क्या करते हैं 5 का हाफ 2.5 इसमें प्लस करते हैं और 2.5 इसमें माइनस करते हैं, तब इसका जाकर क्लास इंटरवल बनता है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1st के 4th पार्ट में किया था। बिल्कुल सेम ऐसे ही हम इसमें पहले क्लास इंटरवल बनाएंगे, फिर इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हिस्टोग्राम एंड ओगिव ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा क्लास मार्क। ओके, क्लास मार्क को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम इसको यहाँ पर टेबल बना लेते हैं, ओके, फिर हम करेंगे इसका कि इससे हम क्लास इंटरवल कैसे बना रहे हैं, इससे हम क्लास इंटरवल कैसे बना रहे हैं। ओके, और फिर क्लास इंटरवल के बाद आपके पास क्या है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करेंगे। अब आपको इससे क्या करना है, क्लास इंटरवल बना लेनी है। क्लास इंटरवल बनाने के लिए सिंपली क्या करेंगे यहाँ पर कि अगर यहाँ पर है हमारा 12.5, फिर यहाँ पर क्या है हमारा 17.5, फिर है हमारा यहाँ पर 22.5, फिर यहाँ पर 27.5, यहाँ पर 32.5, ओके 37.5 एंड 42.5 ये हो जाएगा। अब इसका क्लास इंटरवल अगर हम देखें, इसका क्लास इंटरवल क्या होगा, तो 12.5 में हम क्या करेंगे, 12.5 और इसका हमने डिफरेंस देखा इन दोनों का, क्लास मार्क का डिफरेंस कितना आ रहा है 5 का, तो इसमें 2.5 माइनस और 2.5 प्लस करेंगे। तो 2.5 इसमें माइनस करोगे आप तो आएगा 10, और 2.5 प्लस करोगे तो आएगा कितना 15। ठीक है, आप कर सकते हो इसे। अब ऐसे इसमें आप 2.5 माइनस करोगे तो आएगा 15 और प्लस करोगे तो आएगा 20, 5 का ही डिफरेंस आ रहा है इसमें भी आपका, तो ऐसे ही हमारा 20 आएगा और ये 25। ओके, ये हमारा 25 होगा, इसमें 2.5 माइनस करेंगे और 2.5 प्लस करेंगे तो 30 हो जाएगा, ये हमारा 30 और ये 35 हो जाएगा, एंड ये हमारा 35 एंड 40 होगा, एंड ये हमारा 40 एंड 45 होगा। इस टाइप से कर सकते हो आप। इस फिर इसमें फ्रीक्वेंसी देखेंगे हम, फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी 12, 17, 22, 27, 30, 21 एंड 16। ओके, ये फ्रीक्वेंसी हो गई सिंपल। अब आप इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हो। तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए अगर हम इसका क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो इस पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस इस टाइप से बना लेते हैं। ओके, फिर यहाँ पर एक लाइन हो गई हमारी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर हम क्लास इंटरवल रिप्रेजेंट करते हैं, 5 का डिफरेंस है सभी में, और स्टार्टिंग कहाँ से हमारी 10 से हो रही है, तो आप 0 से 5 से 10 ऐसे ले सकते हो, या फिर zigzag दिखाकर डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग 10 से कर सकते हैं, 10 के बाद 15 टू
25 का आपका गैप है इसमें, ओके 25 के बाद 30 एंड 35, 40, 45, 50, ओके इस टाइप से आप बनाओगे इसमें, क्लास इंटरवल हो गए हमारे। फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए हम देखेंगे इसमें कि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम क्या है, इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 30 आपकी जा रही है, तो अब इसमें क्या स्केल लें इसका, तो इसमें जो स्केल ले लेते हैं हम, स्केल क्या ले लेते हैं वाई एक्सिस पर 5 का, ठीक है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 यूनिट। 5 का या 10 का जो स्केल होता है या 2 का स्केल होता है बेस्ट माना जाता है हमारा, क्योंकि इसमें आप क्या होते हैं जैसे इसमें 10 लाइन्स है तो हर एक 2 लाइन्स पर आप 1 को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओके तो मोस्टली केस में आप क्या लेना, या तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं तो 2 यूनिट ले लेना, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 या 10 इस तरीके से अगर बड़ी वैल्यू आती है तो 15, फिर यहाँ पर 20, फिर यहाँ पर 25 एंड 30 एंड 35 एंड शोन ही हो जाएगा हमारा। तो एक्स एक्सिस पर हमने क्या किया है, एक्स एक्सिस पे हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना लिया है, कितने का गैप हमारा 5 यूनिट का। ऐसे यहाँ पर वाई एक्सिस पे भी हमने क्या किया है, वाई एक्सिस पे भी 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या है हमारा 5 यूनिट है, ओके तो इसमें हमने क्या किया है 1 सेंटीमीटर 5 यूनिट लेट किए दोनों तो साइड में। अब हमें देखना है कि 10 to 15 क्या लेना है, 12 लेना है, 10 to 15 12 लेना है, तो हम यहाँ पर क्या आ जाएंगे 12 पर आ जाएंगे, ये समथिंग 12 हमारा क्या आएगा, इस 4 पॉइंट पर 12 होगा हमारा ये, ओके अब फिर 12 के बाद क्या है हमारा 17 है, तो नेक्स्ट वाला आपका 17 लेना है, 17 हमारा कहाँ आएगा यहाँ पर, ये 17 ओके ये 17 हो गया हमारा, क्योंकि देखो 15 के बाद जो 2 लाइन होगी वो 16 होगी, फिर नेक्स्ट 2 लाइन हो जाएगी वो 17 की हो जाएगी, ऐसे यहाँ पर 12 की हो गई, जो 2 लाइन होगी वो 11 की और फिर नेक्स्ट 2 लाइन 12 की, ठीक है ये हो गया हमारा। यहाँ से हम इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे, तो इसे बस ध्यान से आपको कर लेना है, ये 17 आ गया, 17 के बाद 22 हम कहाँ पर आएंगे, 22 वाला बनेगा हमारा यहाँ पर, पर ये 22 मतलब 20 है हमारा, ये तो 22 25 है, पहले 17 कंप्लीट करना फिर 20 25 कितना जाना है 22, तो 22 हमारा यहाँ पर आएगा, ओके 22 के बाद 27 है, यहाँ 27 हो जाएगा हमारा, ठीक है 25 26 27 मतलब ये 4 लाइन पर हमारा, 25 के बाद वो 4 लाइन होगी क्योंकि एवरी 2 लाइन 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही है, ये हो जाएगा हमारा। तो इनको हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया, एंड यहाँ पर भी अगर हमने इसको ज्वाइन किया तो ये 22 हो गया। 27 के बाद आपको क्या करना है, 30 जाना है, फिर आपको 30 जाना है, 30 तो फिर हमारा ये आ गया, ओके 30 के बाद आना है 21, तो अब 21 पर आ जाते हैं हम, लेकिन 21 के लिए हम यहाँ पर नहीं आएंगे, यहाँ पर तो 30 रहेगा हमारा, क्योंकि 21 कहाँ है हमारा, 35 to 40 है, ठीक है तो यहाँ पर हमारा 30 हो गया, ये 27 हो गया, यानी यहाँ पर हमारा आएगा 21 अब, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 21 हो गया हमारा, ये 20 वाली लाइन है और ये 21, ओके फिर है 16 ये होगा हमारा, 16 कहाँ पर 15 और ये हमारा 16, ओके ये हो जाएगा हमारा। तो ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम के बाद अगर आपको ओगिफ चाहिए, अगर हमें क्या चाहिए ओगिफ चाहिए, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं ना, इसका ओगिफ चाहिए, तो सिंपल क्या करेंगे, इसकी जो अपर लिमिट है और इसका CF, पहले हम इसका CF फाइंड करेंगे, जैसे 12 प्लस 17 कितना हो जाएगा 29 प्लस 22 कितना हो जाएगा, ये जाएगा 51 में 27 करेंगे ये हो जाएगा 78
इसमें 30 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 108। ओके सही है ना कैलकुलेशन। तो यहाँ 1921 एंड इसमें 16 ऐड किया हमने, कितना आ गया 9 और 6 15 का 5, 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4 और ये 1 145, ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है हमें इन कोऑर्डिनेट्स को लेके, 15, 12, 20, 29, 25, 51, 30, 78, इस तरीके से लेते हैं, और 35, 108 एंड 40, 129 एंड 45, 145, ये वैल्यू चाहिए हमें। सिंपल है। अब इसका जो ग्राफ होगा वो हमारा एक डिफरेंट ग्राफ पर हम इसको बनाएंगे, इस हिस्टोग्राम वाले पर ये नहीं बनेगा हमारा। तो हम इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके ये लाइन ड्रॉ की हमने, तो यहाँ तो हम वही 5-5 का ये क्या लेंगे, यूनिट 5-5 ही यूनिट लेंगे हम, लेकिन 10 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 10 से हमारा, 10 से 15 है ना हमारा, 10 to 15 इस टाइप से हमारा 5-5 का गैप है, 20 यहाँ पर, 25 यहाँ पर, 25 के बाद 30 यहाँ पर, 35 यहाँ पर, 40, 45 एंड सो ऑन। ओके यहाँ पर अब हम 10-10 यूनिट लेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट लेंगे, क्योंकि इसमें हमें 145 तक जाना है, उसमें भी हमें 14 लाइन बनानी होगी। देख लेते हैं कि वो बन जाएंगी नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक आगे जाएंगे तो हम 20 यूनिट ले लेते हैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 यूनिट, 20 फिर 40 फिर हमारा 60 फिर यहाँ पर क्या हमारा 80 फिर 100, क्योंकि अब आप इसको इजीली रिप्रेजेंट कर पाओगे, 120, 140, 160, क्योंकि हमें 140 से भी अबव वाली वैल्यूज चाहिए। ओके तो हमने क्या किया है, एक्स एक्सिस पे तो हमने 1 सेंटीमीटर इजिकल्स टू क्या लिया है, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इजिकल्स टू क्या लिया है, 5 यूनिट लिया है। ओके लेकिन वाई एक्सिस पे क्या किया हमने, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इजिकल्स टू 20 यूनिट लेट किया। अब इनके पॉइंट्स जो हमने लिए थे उनको ड्रॉ करेंगे, जैसे हमारे पास है ये 15, 12 तो 15, 12 कहाँ आएगा हमारा, तो ये आएगा 15, 12। अब हर एक पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक लाइन 2 को रिप्रेजेंट कर रही होगी, तो 12 कहाँ पर आएगा, 6th वाली लाइन पर होगा हमारा, तो 15, ये हमारा 6th वाली लाइन पर ये वाला पॉइंट आ गया हमारा 15, 12। ओके फिर नेक्स्ट है हमारा क्या, 20, 29 कहाँ होगा हमारा, 20, 29 आएगा हमारा ये 30 से पहले, जस्ट पहले 30 से पहले, तो ये जस्ट पहले हम इसे लिख देते हैं 20, 29 फिर 25 पर 51 जाना आपको, तो 50 कहाँ आ रहा होगा हमारा, 40, 60 और 40 के बिटवीन, मतलब यहाँ पर आ रहा होगा, यहाँ पर आ रहा होगा 50, तो इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर हम क्या करेंगे, 51 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 25, 51। ओके नेक्स्ट है हमारा 30, 78 तो 30, 78 का आएगा हमारा, यहाँ 30, 78 अगर हम लेंगे तो 80 से जस्ट नीचे आ जाएगा हमारा 30, 78 फिर 30, 78 हो गया, फिर हमें 35, 108 अगर हम देखें, ठीक 100 तो 100 में फिर 2 करके ऐड करेंगे तो 108 यहाँ पर 4 पर आ रहा होगा हमारा, तो यह 35, 108 फिर 35, 108 40, 129 तो 40, 129 भी हमारे यहाँ आ रहा होगा 130 से जस्ट थोड़ा ही नीचे 40, 129 और फिर 45, क्या है फिर 45, 145 है तो 45, 145 कहाँ आएगा हमारा, 140 एरा और 114 के मिडिल में आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये होगा हमारा 150
तो ये 45, 145। ओके, इसको फ्री हैंड से अगर हम ज्वाइन कर देते हैं 10 से स्टार्टिंग करके, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ओगिव कर्व बन जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, कौन सा था ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ओके, ऐसे ही हम आगे क्वेश्चंस भी कंप्लीट करेंगे, अभी के लिए इतना रखते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, बाय, थैंक यू।